आज मेरा इंजीनियरिंग टूरिंग का पहला क्लास है। आज हम लोग इंजीनियरिंग टूरिंग के सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस इंजीनियरिंग टूरिंग जैसे हम लोग इस किताब से पढ़ेंगे, और यंत्र का ये किताब है। इसमें इंजीनियरिंग टूरिंग 2 साल का विषय है, 4 सेमेस्टर में दिया गया हुआ है। तो ये हम लोग का सेमेस्टर 1 का पहला सिलेबस है। पहला चैप्टर का नाम है इंजीनियरिंग टूरिंग का परिचय, दूसरा है रेखाएं, तीसरा है ज्यामितीय आकृतियों का आरेखन, चौथा है अक्षरांकन एवं अंकांकन, पांचवा चैप्टर सीमांकन यानी डायमेंशन, छठा प्रक्षेप प्रोजेक्शन, सातवा है कन्वेंशनल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पहला जो चैप्टर है उसका उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। पहले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो पहला पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग क्या है, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के उपकरण, ड्रॉइंग बनाने में कौन कौन से उपकरण सहायक होते हैं, जैसे हमारा ये ड्रॉइंग बोर्ड हो गया, सी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, संदा हो गया, रेंज कर्व हो गया, स्केल हो गया, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट हो गया, ड्राफ्टिंग मशीन हो गया, मिनी ड्राफ्टर हो गया। ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या, कंपास, लेंथनिंग बार, डिवाइडर, पेंसिल, रबर, पेंसिल शार्पनर, कटर, डस्टर, ड्रॉइंग शीट और ड्रॉइंग के ड्रॉइंग सॉरी शीर्षक ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर दूसरा क्या है, रेखाएं लाइंस। इसमें रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। रेखा जनरली 10 प्रकार की होती हैं। 10 रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन। कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन जनरली ऐसा होता है, ये 0.5 mm मोटा होता है। कंटिन्यूअस थिक लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दूसरा हम लोग का होता है कंटिन्यूअस थिन लाइन। कंटिन्यूअस थिन लाइन इससे पतला होता है क्योंकि हमारा 0.2 mm का होता है। तीसरा हम लोग जानेंगे डैश लाइन, क्योंकि ऐसे डैश के रूप में होता है। डैश लाइन का दूसरा नाम विजन लाइन भी है। इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.3 mm। चौथा लाइन है हम लोगों का डैश लाइन के बाद फ्री हैंड लाइन, क्योंकि ऐसे फ्री हैंड बनाया जाता है। इसकी जो मोटाई होती है 0.2 mm होती है। पांचवा लाइन है जिगजैग लाइन, कुछ इस प्रकार बनता है। ये भी हमारे 0.2 mm की मोटी होती है। पास हुआ डैश लाइन भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पतली और एक होती है मोटी, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद चेन लाइन के बारे में जानेंगे। पहला होता है चेन थिन लाइन, मतलब श्रृंखला में जो पतली रेखा होती है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा, ये 6:1 या 4:1 में होता है। चैन थी लाइन के बाद हम लोग आता है चैन थिक लाइन।
ये क्या होता है, ये हमारा ऐसे मोटा होता है, इसके तुलना में ये मोटा हो जाएगा, ये सत्ता ये सातवा। यार चैन ठीक लाइन के बाद चैन तीन एंड ठीक 8 इंच। ये जो लाइन है हमारी किनारे पर मोटी होती है, बाकी बीच में पतली होती है। और हमारा लास्ट है 10 थिन लाइन डबल डैश, क्योंकि तो चैन लाइन की तरह होती है लेकिन डबल डैश बीच में होता है। हम इसमें लाइंस के बारे में जानेंगे कि कौन से लाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चैप्टर नंबर, उसके बाद थ्री का सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा ड्रॉइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृतियों का आरेखण। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोण के बारे में। कोण में न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, सरल कोण, विर्यत कोण, समावर्ती कोण में पूरा कोण हो गया, संपूरक कोण हो गया। दूसरा हम लोग का त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, द्विसमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद होता है चतुर्भुज, हम लोग पढ़ेंगे। चतुर्भुज में क्या क्या आते हैं, आयत आते हैं, वर्ग आते हैं, सम चतुर्भुज आते हैं। समलंब चतुर्भुज आते हैं और समांतर चतुर्भुज आते हैं। चतुर्भुज हो गया, उसके बाद बहुभुज हो गया। बहुभुज भी 2 प्रकार के होते हैं, नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। बहुभुज में भी पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद वृत्त के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वृत्त कैसे, वृत्त होता क्या है, केंद्र होता है, इसमें परिधि होती है, चाप होता है, यही सब। और छठा हम लोगों का दीर्घ वृत्त मतलब इलिप्स के बारे में, इलिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलिप्स क्या है, इलिप्स की रचना कितने कितने प्रकार की जाती है। उसके बाद चैप्टर 4, चैप्टर 4 में क्या है, अक्षरांकन एवं अंकांकन, मतलब ड्रॉइंग बनाने के बाद उसमें जो लेटर राइटिंग, लेटर लिखते हैं या नंबर लिखते हैं, उसकी क्या उसको कैसे लिखें, सिंगल स्ट्रोक में लिखें कि डबल स्ट्रोक में लिखें, या डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक है, डबल स्ट्रोक, इसकी थिकनेस कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, ये नंबर एंड लेटर के बारे में ये सब जानेंगे। उसके बाद डायमेंशन, डायमेंशन में जनरली हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन में लीडर लाइन होता है, एक्सटेंशन लाइन होता है, उसमें जो एरो हेड होता है उस सबके बनाने का तरीका। डायमेंशन में हम लोग जनरली जानेंगे प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। प्रोजेक्शन में सिंपल प्रोजेक्शन भी बनाया जाता है। टेपर प्रोजेक्शन भी होते हैं, सर्कल वाले प्रोजेक्शन भी होते हैं।
उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर कौन है, सेमेस्टर वन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें बहुत सारे फिटिंग हो गए हैं, आप बहुत सारे प्रतीक हो गए, सिंबल हो गए, उसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।